तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीसी कॉमन बुक का चैप्टर नंबर 4, वेपन ट्रेनिंग। तो इसके पहले भी हमने कई सारी वीडियो बनाए हैं इस सीरीज़ में एनसीसी कॉमन बुक पे, तो आप उसे भी जाके चेकआउट कीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं चैप्टर 4, वेपन ट्रेनिंग। इसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ .22 राइफल्स, असेंबलिंग, केयर, साइट सेटिंग, लोडिंग अनलोडिंग एंड बोल्ट मैनिपुलेशन, लाइंग पोजिशन एंड होल्ड, रेंज एंड टारगेट, टारगेट ट्रिगर कंट्रोल एंड फायरिंग अ शॉट, रेंज प्रोसीजर एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड अल्टरेशन ऑफ साइट, थ्योरी ऑफ ग्रुप एंड स्नैप शूटिंग, शॉर्ट रेंज फायरिंग, .22 राइफल एंड रेंज, 7.62 mm राइफल कोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 7.62 mm SLR एंड 5.56 mm इंसास। तो कई सारी चीज़ें इस चैप्टर में, कई सारी चीज़ जानने को है। हमने कई सारी वीडियो, कई सारी इमेजेस के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ .22 राइफल, स्ट्रिपिंग, असेंबलिंग, केयर एंड क्लीनिंग एंड साइट सेटिंग। तो इंट्रोडक्शन, द शूटिंग एट द रेंज हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू मास्टर दिस एज अ स्पोर्ट एंड ऑल्सो टू लर्न हैंडलिंग अ वेपन फॉर अ सेल्फ प्रोटेक्शन। तो शूटिंग एनसीसी कैडेट को इसलिए सिखाया जाता है ताकि वो इसे आगे चल के एक स्पोर्ट जैसे भी ले सकते हैं, या फिर आगे में अगर वो डिफेंस ज्वाइन करते हैं, सेना में जाते हैं, तो उन्हें एक वेपन की ट्रेनिंग पहले से मिल जाती है, एक बेसिक ट्रेनिंग मिल जाती है हाउ टू हैंडल अ वेपन, और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं। द फाइन आर्ट ऑफ शूटिंग टीचेस अ पर्सन प्रिसीजन, एक्यूरेसी, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस, विच ऑल हेल्प्स टू मेक हिम अ बेटर मैन इन अ पब्लिक लाइफ। अगर कोई आदमी शूटिंग करता है, यानी एनसीसी कैडेट को शूटिंग इसलिए सिखाई जाती है, एक तो आपको बताया पहले, लेकिन शूटिंग से हमारा जो प्रिसीजन एक्यूरेसी रहती है, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, जैसे हम ड्रिल करते हैं, शूटिंग करते हैं, इससे हमें पेशेंस और कॉन्फिडेंस मिलता है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन अ पब्लिक लाइफ। ये सारी चीज़ें आपको एनसीसी के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, एनसीसी ABC सर्टिफिकेट में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको बड़े ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइफल .22, नंबर मार्क 2, मार्क 4 एंड डिलक्स BA। सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लेंथ, मैगजीन की कैपेसिटी, मजल वेलोसिटी, ग्रूज इन बैरल, इफेक्टिव रेंज एंड कैलिबर एंड रेंज ऑफ रेट ऑफ फायर। तो चलिए जानते हैं राइफल .22 मार्क 2 मार्क 4 BA लेंथ कितनी होती है, 42। इसकी इमेज भी देखेंगे आगे, 42 इंचेस एंड राइफल .22 डिलक्स की 43 इंचेस। मैगजीन कैपेसिटी 10 राउंड्स एंड डिलक्स कितनी रहती है, 5 राउंड्स। मजल वेलोसिटी दोनों की सेम है, 2700 पर सेकंड एंड ग्रूज इन बैरल इज अ 6। इफेक्टिव रेंज इज 25 यार्ड्स एंड मैक्सिमम रेंज 700 यार्ड्स एट अ 33 डिग्री एंगल। इसे भी आगे में समझेंगे, एंगल किस प्रकार से बना है, क्यों बना है, इसे सब हमने अच्छे से डिलिब्रेट किया आगे के सेक्शन में। कितने कैलिबर का है, .22 नाम ही है उसका, .22। एमिनेशन क्या यूज़ होंगी, .22 कैलिबर की बुलेट यूज़ होंगी। रेट ऑफ फायरिंग नॉर्मल, 5 राउंड पर मिनट, दोनों में सेम है, 5 राउंड पर मिनट। एंड रैपिड, अगर रैपिडली फायर कर रहे हैं तो 10 राउंड टू 15 राउंड पर मिनट। तो दिस इज द इमेज ऑफ द राइफल .22 नंबर 2 मार्क 4, ये थोड़ी भारी होती है, एंड देन राइफल .22 डिलक्स, ये हल्की भी होती है और चलाने में आसान भी होती है। नेक्स्ट इज सेफ्टी प्रिकॉशन। अब अपन वेपन हैंडल कर रहे हैं और वेपन बहुत खतरनाक चीज़ है। आपको पता है एक बुलेट की कीमत कितनी है, वन बुलेट प्राइस इज इक्वल टू 1 life। अगर गलती से किसी पे एक गोली चल गई तो एक ज़िंदगी ले लेगी, तो एक गोली की कीमत एक ज़िंदगी है, तो सेफ्टी प्रिकॉशन हमें इम्पॉर्टेंट है। तो पुशिंग फॉरवर्ड द सेफ्टी कैच, ये जो पीछे में दिख रहा है सेफ्टी कैच, इसको पुश करना है तो ये क्या हो जाएंगे, ये ट्रिगर जो होगा लॉक हो जाएगा। रेजिंग एंड ड्रॉइंग बैक द नॉब, बोल्ट नॉब, इसे बोल्ट नॉब कहा जाता है, आगे में देखेंगे। एंड देन एग्जामाइन द चैम्बर एंड मैगजीन, हमें इस चैम्बर को और मैगजीन को एग्जामाइन करना है। व्हेन सेटिस्फाइड बोथ आर क्लियर, पुश द बोल्ट नॉब फॉरवर्ड एंड देन डाउन, प्रेस द ट्रिगर एंड अप्लाई द सेफ्टी लैच। यानी कि जब भी हमें अपनी राइफल यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इस बोल्ट नॉब को चेक करना है और सेफ्टी लैच को लगा के रखना है।
ताकि ट्रिगर ना हो। हमें अम्यूनेशन को चेक करना है, चैम्बर चेक करना है कि वो क्लीन है क्या, फिर हमें वापस से बोल्ट को बंद करना है और ट्रिगर दबा के रख देना है। यानी इंस्पेक्ट द ड्रिल कार्टिलेज एंड इंश्योर दैट देयर इज़ नो लाइव अम्यूनेशन। यानी कि हमें इसे चेक करके ऐसा रखना है कि इसमें कोई अम्यूनेशन, कोई गोली नहीं है, चला के देख लिया, इससे कोई हानि नहीं है। फिर नेक्स्ट है असेंबलिंग। अब बोल्ट को असेंबल कैसे करते हैं? द असेंबलिंग ऑफ राइफल इज ऑलवेज डन इन अ रिवर्स ऑर्डर। एमसीक्यू में आएगा, राइफल इज ऑलवेज डन इन अ रिवर्स ऑर्डर। असेंबली किस ऑर्डर में होती है? रिवर्स ऑर्डर में। व्हाइल असेंबलिंग द बोल्ट ऑफ अ डिलक्स पॉइंट टू टू राइफल। डिलक्स पॉइंट टू टू राइफल याद रखना है सब। पॉइंट टू टू राइफल में कितने ग्रूव थे? 6 ग्रूव थे। कितने राउंड फायर होते नॉर्मल में? 5 राउंड। रैपिड में करेंगे टू 10 टू 15 राउंड। ऐसी सारी चीज़ हमें बार बार रिवाइज करते रहना है। एंड फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी बॉर्न इन माइंड। बोल्ट हेड इज अ फुल्ली टाइट। ये जो बोल्ट है हम जब भी राइफल में डालते हैं तो इसे आगे धकेल कर राइट में हमेशा दबा देना है। द बोल्ट हेड एंड अ गाइड रिब एज वेल एज अ कॉकिंग पीस। ये रहा कॉकिंग पीस, ये रहा बोल्ट लीवर एंड द स्टील रंग टू बी इन अ लाइन। ये सब चीज़ें एक लाइन में होना चाहिए। एंड नंबर ऑफ बोल्ट शुड बी टैली विद दैट ऑफ राइफल। सेफ्टी लैच शुड बी अप्लाइड। सेफ्टी लैच ये पीछे में दिख रहा है, ये अप्लाई करना है ताकि ट्रिगर लॉक हो जाए। देन इंसर्ट द बोल्ट लीवर। इसकी वीडियो नहीं है लेकिन आप समझ जाओगे अगर आप ये हो। ये जो बोल्ट है इसे इंसर्ट करना है अंदर। देन ऑलवेज विथ द राइट हैंड। बोल्ट को राइट हैंड से एंड राइफल को किस हैंड से पकड़ना है? लेफ्ट हैंड से। पुश फॉरवर्ड द बोल्ट अंटिल इट टचेज द चार्जर गाइड एंड टर्न द बोल्ट हेड टूवर्ड्स द राइट टिल द क्लिकिंग साउंड। यानी कि राइफल को लेफ्ट हैंड से पकड़ा है, बोल्ट को राइट हैंड से इसे आगे धकेलना है, राइट की तरफ मोड़ना है जब तक क्लिकिंग साउंड ना आए। नाउ पुश फॉरवर्ड एंड प्रेस द ट्रिगर एंड अप्लाई द सेफ्टी लैच। अब ट्रिगर दबा देना है, अम्यूनेशन खत्म और सेफ्टी लैच को अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट इज सेक्शन 2, लोडिंग, कॉकिंग एंड अनलोडिंग। अम्यूनेशन एंड चार्जर। नो चार्जर प्रोवाइडेड फॉर द डिलक्स राइफल। यानी डिलक्स राइफल में कोई चार्जर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। द अम्यूनेशन इज लोडेड बाय वन इन द मैगजीन। यानी हमें जो गोलियाँ है वो एक के बाद एक डालते रहना है। इंश्योर दैट द अम्यूनेशन इज क्लीन बिफोर फायरिंग। यानी कि धूल मिट्टी या उसमें कोई गंदगी नहीं चाहिए, बुलेट एकदम साफ रहनी चाहिए तभी उसे फायर करना है। लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोडिंग मस्ट बी कैरीड आउट ऑन ऑर्डर्स एंड नो एक्शन विल बी टेकन विदाउट अ प्रॉपर ऑर्डर। यानी कि जब तक आपको ऑर्डर दिया ना जाए या आपका कमांडर जो है, आपके जो हवलदार साहब है, जब तक वो आपको ऑर्डर नहीं देते आप गोली नहीं डालेंगे और ना ही फायर करेंगे। इट मस्ट बी कैरीड आउट क्लियरली एंड इन अ सेट सिक्वेंस। ये सब चीज़ें जो है आपको सेट सिक्वेंस में पूरे करना है। फंबलिंग एंड लैकिंग ऑफ डिटर्मिनेशन वुड लीड टू जैमिंग एंड डिले। यानी कि अगर आपके इसमें डिटर्मिनेशन कम है तो अगर आप अच्छे से इसे परफॉर्म नहीं करते तो आपका जो बोल्ट है वो जैम हो सकता है या फायरिंग में डिले हो सकता है। तो ऑर्डर्स को बराबर फॉलो कीजिए और एक्शंस को बराबर समझिए। चलिए देखते हैं, ये होता है पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है? लाइंग पोजीशन। लाइंग पोजीशन में देख रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड में गन को बराबर पकड़ा है, राइट हैंड से ट्रिगर पुश करना है, राइट हैंड तरफ क्या है ये बोल्ट। नेक्स्ट इज लोडिंग एंड अनलोडिंग इन अ लाइंग पोजीशन। जब हम लेटे हुए तब लोडिंग एंड अनलोडिंग कैसे करना है? फॉर दिस एक्शन इन अ लाइंग पोजीशन कैरिड आउट द फॉलोइंग ड्रिल। टू लाई डाउन टेक अ लॉन्ग पेस फॉरवर्ड विद अ लेफ्ट फुट एंड एट द सेम टाइम पास द राइफल इन टू लेफ्ट हैंड ग्रास्पिंग इट एट द पॉइंट ऑफ बैलेंस। यानी कि अपना बाया पैर आगे लेना है, लेफ्ट हैंड में गन को पकड़ना है, इस तरह पकड़ना है ताकि वो बैलेंस रहे। जैसे इसने बैलेंस करके पकड़ा है ना आधा हिस्सा, उस प्रकार बैलेंस करके पकड़ना है। प्लेस द राइट हैंड ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन विद द लेफ्ट फुट। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट पुश द राइफल फॉरवर्ड एंड लोअर द ग्राउंड। अब धीरे से राइफल को आगे सरकाना है और पूरा ग्राउंड पर लेट जाना है। लेफ्ट आर्म विल बी नाउ एक्सटेंडेड टू द फ्रंट। जो लेफ्ट हैंड में आपने राइफल पकड़ी है थोड़ा आगे लेना है। द लेग विल बी वेल अपार्ट। अभी आपको एक इमेज दिखाऊंगा उसे आप समझ जाओगे। नाउ लोड द राइफल एज थॉट। नेक्स्ट अनलोड द राइफल विदाउट फर्दर ऑर्डर्स। प्लेस द राइट हैंड ऑन द ग्राउंड बिलो द राइट शोल्डर। ड्रॉ अप द लेफ्ट हैंड। स्टैंड अप एज क्विकली एज पॉसिबल। इस इमेज को देख के समझ जाओगे आप कि कैसा है। देख रहे हो पैरों के बीच में कितना बड़ा डिस्टेंस रखा है और लेफ्ट हैंड आगे में रखना है, राइट हैंड पीछे में
ट्रिगर पुश करना है, और जैसे ही ट्रिगर पुश किया है, आपने अम्यूनेशन ख़त्म हो गया है, वापस से ये जो गन है वापस रखना है, और वापस ये जो पीछे आदमी खड़ा दिख रहा है वैसे खड़े हो जाना है जब तक ऑर्डर ना मिले। आपको बताते हैं कैसे कैसे ऑर्डर हैं, आगे देखेंगे। सेक्शन 3, लाइंग पोजिशन एंड होल्ड। जनरल में देखेंगे, लाइंग पोजिशन इज़ द मोस्ट कम्फर्टेबल पोजिशन फॉर फ्रॉम विच टू फायर। ये लाइंग पोजिशन लेटे लेटे सबसे कम्फर्टेबल पोजिशन है, कोई टेंशन नहीं है। द 3 बेसिक इसेंशियल फॉर गुड फायर गुड शूटिंग आर, नंबर 1, पोजिशन मस्ट बी कम्फर्टेबल एंड होल्ड सो फर्मली दैट राइफल गेन्स अ रॉक लाइक स्टेडीनेस। यानी कि कम्फर्टेबल पोजिशन में अच्छे से बैठ जाना है, लेट जाना है मतलब, और राइफल को ऐसे पकड़ना है ताकि वो हिले ना, एकदम स्टेडी पकड़ के रखना है। द फायरर मस्ट बी एम करेक्टली, एमिंग कैसे करना है वो भी आगे सिखाएंगे। फायरर को एम बराबर करना है। द ट्रिगर बी प्रेस्ड इन सच अ वे दैट द एम इज़ नॉट डिस्टर्ब। और ट्रिगर जब प्रेस करते हैं तब आपका एम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। देखते हैं आगे कैसे करना है। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने सांस, जब भी हम फायर करते हैं ना, अपने सांस को थोड़ा देर के लिए रोकना है जब तक वो फायर ना हो जाए। एम करेक्टली एंड देन होल्ड द ब्रेथ वाइल प्रेसिंग अ ट्रिगर। जब भी ट्रिगर प्रेस कर रहे हैं, आपने सांस को थोड़ा देर के लिए रोक लिया, आपने पूरे शरीर को एकदम स्टेडी करके फायर कर दीजिए। ट्रिगर कंट्रोल एंड फायरिंग अ शॉट फॉर अ एक्यूरेट शूटिंग इज अ ट्रिगर ऑपरेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द एम। जब भी हम ट्रिगर पुश कर रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं, तो हमें एक एक्यूरेट शूटिंग के लिए क्या करना है वो देखते हैं। टू अचीव दिस परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन आई ब्रेन एंड ऑपरेशन ऑफ द फोर फिंगर ऑन द ट्रिगर इज रिक्वायर्ड। यानी कि जब भी हम एम कर रहे हैं, एक अच्छा एम चाहिए, तो पूरा कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, आँखों का कोऑर्डिनेशन ब्रेन के साथ, और ऑपरेशन आपकी उंगलियों के साथ जब आप ट्रिगर पुश कर रहे हैं। तो करेक्ट एम के लिए जो आप गन देखेंगे, एक इमेज देखिए, समझिए गन का ये फोर साइड है, पीछे का हिस्सा, और ये उसकी नाल है सीधी, बैरल समझिए। अब ये छोटा सा आगे में दिखाऊंगा गन के, ये देखिए, ये यहाँ पर एक रहता है और गन के आगे में एक रहता है उसे, और ये जो स्क्वायर सा दिख रहा है, स्क्वायर ये टारगेट पेपर है। अब आपको ब्रेथ अपनी आँखों को देख लिया, ब्रेन में अब अपने फोर फिंगर को जैसे ही ट्रिगर पर प्रेस करेंगे शूट करना है, थोड़ा देर सांस रुक के बराबर शूट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ फायरिंग अ शॉट NCC के एग्जाम, सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट एग्जाम में डेफिनेटली आता है, हर साल आता है, कंपलसरी क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ फायरिंग आना ही चाहिए। तो ये चार पॉइंट याद रखिए, एमिंग पोजिशन, ब्रीदिंग, फायरिंग, फॉलो थ्रू। एमिंग पोजिशन, ब्रीदिंग, फायरिंग, फॉलो थ्रू, इतना भी लिखोगे तो एक दो मार्क दे देंगे, लेकिन फुल मार्क चाहिए अपने को, टॉप मारना है। एमिंग पोजिशन, ऑन कमिंग इन टू द एम द फायरर मस्ट टेक अ फर्स्ट प्रेशर। जैसे आपने एम फिक्स कर लिया है, मतलब आपकी गन एकदम कोऑर्डिनेशन एकदम लाइन में आ गई है एम के, अब अपने ब्रीदिंग पे जाएंगे। ब्रीदिंग, जस्ट बिफोर टेकिंग एन एम ब्रीदिंग मस्ट बी जेंटली रिस्ट्रेन। जैसे ही आप एम ले रहे हो, अपने सांस को थोड़ा सा रोक देना है, थोड़ी देर के लिए रोक देना है। इट मस्ट बी इंपॉर्टेंट टू कोऑर्डिनेट सो दैट व्हेन द फोर साइड कम्स टू द पॉइंट ऑफ एम द ब्रीदिंग इज पार्शियली एग्जिट। अब थोड़ा रोक दिया था, अब जैसे ही आपका एम मिल गया, थोड़ी सांस छोड़नी है और अभी रुक जाना है। फायरिंग, इमीडिएटली ऑन अ करेक्ट एम द सेकंड प्रेशर विल बी टेकन ऑन अ शॉट फायर्ड। जैसे ही एम मिल गया, थोड़ी सांस छोड़ी, थोड़ा देर के लिए रुक गए, फायर कर दिया, एकदम करेक्ट एम ले लिया। अब करेक्ट एम होने के बाद आपने फायर कर दिया है, लेकिन फॉर अ सेकंड और अ टू आफ्टर फायरिंग देयर शुड बी नो रिलैक्सेशन ऑफ होल्ड और मूवमेंट ऑफ अ ट्रिगर फिंगर। आपने एम लिया, सांस रोकी, थोड़ी सांस छोड़ी, फायर किया, फायर करते ही हिलने नहीं लग जाना है ट्रिगर, अपनी फिंगर ना हिलाना, नहीं सर हिलाना है, रिलैक्स नहीं करना है, 2 से 3 सेकंड आपको वहीं पे रुक जाना है। देन फॉलो थ्रू, द होल्ड एंड एम मस्ट बी मेंटेन अंटिल द बुलेट हैज लेफ्ट थ्रू द बैरल। यानी जब तक गोली बाहर, आपने ट्रिगर प्रेस कर दिया, गोली ब्लास्ट हो गई, अभी वो जा रही है, आपको कम से कम 2 या 3 सेकंड अपने बॉडी को बिल्कुल नहीं हिलाना है। बेटर स्टिल फायर शूट फॉलो थ्रू अंटिल द बुलेट हैज़ रीच द टारगेट। यानी जब तक बुलेट टारगेट को हिट नहीं करती, तब तक आपको बिल्कुल स्टेडी वैसा ही उसी पोजीशन में लेटे रहना है। तो ये सीक्वेंस ऑफ फायरिंग में क्या रखेंगे, एमिंग पोजीशन, ब्रीदिंग, फायरिंग, फॉलो थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 6, रेंज प्रोसीजर एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस।
यूज़ ऑफ रेड फ्लैग्स। अब हम जब भी रेंज फायरिंग करने जाते हैं यूज रेड फ्लैग्स का यूज़ करते हैं। नो फायरिंग विल बी टेक प्लेस अंटिल ऑल रेड फ्लैग्स आर होस्टेड एंड लुकआउट मैन पोस्टेड एज पर द रेंज स्टैंडिंग ऑर्डर। जब भी हम एनसीसी में रेंज फायरिंग के लिए जाते हैं, फायरिंग के वक्त जाते हैं, जो भी वो एरिया होता है, सबसे पहले हमें क्या कहा जाता है, सबसे पहले हम लाल झंडे हर जगह लगा देते हैं। दो बंदे वो गेट पे खड़े रहते हैं फायरिंग लेकर, और जहाँ टारगेट पेपर होता है वहाँ पे भी लाल झंडे लग जाते। वन फ्लैग विल बी ऑलवेज बी ऑन द टॉप ऑफ द बट फ्लैग्स आर वार्निंग दैट द रेंज इज न्यूज। हम लाल फ्लैग क्यों लगाते हैं, ताकि वहाँ से कोई आदमी या कोई लोग है उनको पहले ही पता चल जाए उस एरिया में कि ये फायरिंग रेंज जो है अभी यूज़ में है, यहाँ पे फायरिंग हो रही है, तो वहाँ ना जाए। देन मिनिएचर रेंज, ओनली 0.22 एमिनेशन विल बी यूज ऑन अ मिनिएचर रेंज। हमारी राइफल कौन सी है कैलिबर की है, 0.22। मिनिएचर रेंज में कौन सी यूज़ होंगी, 0.22 एमिनेशन। एमिनेशन यानी बुलेट, 0.22 कैलिबर की, 0.22 यानी 0.22 mm की। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी सेंटीमीटर की। ये इस प्रकार झंडे लगा दिए रहते रेंज फायरिंग के वक्त। द फॉलोइंग इज द नॉर्मल प्रोसीजर ऑन द फायरिंग पॉइंट। नॉर्मल प्रोसीजर क्या है फायरिंग पॉइंट में जाने पॉइंट्स के, सबसे पहले द पार्टी टू द फायर इज ब्रॉट इन टू 100 yards ऑफ फायरिंग पॉइंट। सबसे पहले हम लोग जाते हैं 100 yards की फायरिंग पॉइंट में। देन प्रैक्टिस टू बी फायर्ड आर एक्सप्लेन। अब सबसे पहले हमें क्या समझाया जाता है, डिटेल फायरर आर डिटेल टू टारगेट। सबसे पहले समझाया जाता है, सबसे पहले हम गए फायरिंग रेंज पे, फिर हमारा जो उस्ताद है या कोई ड्रिल जो भी है हमारा सीनियर सार्जेंट, वो हमें समझाता है कि किस प्रकार फायरिंग करना है, गन के हर एक पार्ट समझाता है। फिर हमें अपने जगह पे खड़ा कर दिया जाता है ताकि हम फायरिंग कर सकें टारगेट की जगह पे। द कोचेस एमिनेशन पार्टी आर लुक आउट मैन टेक देयर पोजीशन। झंडे वाले अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, एमिनेशन गोली गिनने वाले अपनी जगह में, टारगेट पेपर वाले अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, सब अपनी पोजीशन ले लिया है। द फर्स्ट टू डिटेल ओनली फॉर्म बिहाइंड देयर टारगेट्स। यानी कि जो फायरिंग कर रहे हैं उसके बाद वाला ही उसके पीछे खड़ा रहेंगे, बाकी सब लोग रेंज के थोड़ा दूर खड़े रहते हैं। देन ऑन द ऑर्डर ऑफ आगे बढ़ एडवांस द डिटेल एडवांस द फर्स्ट डिटेल विल टेक पोजीशन ऑफ अ फायरिंग पॉइंट। हमने सीखा है कैसे पोजीशन लेना है, पैर आगे लेना है, लेफ्ट पैर आगे, लेफ्ट हाथ में राइफल, राइट हैंड से बोल्ट को यूज़ करना है और नीचे लेट जाना है ताकि हम स्टेडी एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। देन द कोच चेक अप देयर पोजीशन एंड करेक्ट देम इफ नीडेड। अब आपका जो कोच है, आप बराबर लेटे हो या बराबर आपकी पोजीशन है उसके हिसाब से आपको करेक्ट करेंगे। देन गिव द कमांड लिम्ब अप। ऑन दिस द फायरर मस्ट अलाइन राइफल एज दे हैव बीन टॉट। आपको राइफल कैसे अलाइन करना है आप पहले ही बताएं, उसी प्रकार से जैसे वो लिम्ब अप बोलेंगे आपको बराबर राइफल को एम की तरफ अलाइन कर देना है अपने पूरे बॉडी के साथ। द ऑफिसर विल देन गिव द ऑर्डर टू लोड एंड कैरी ऑन। अब आपको ऑफिसर बोलेगा गन को लोड करने, आपको जल्दी से गन को लोड करना है। ये कैसे, हमें जैसे फायरिंग रेंज पे ले गए, आपको जो आपका वारंट ऑफिसर है हमारा, वो ऐसे सभी को समझाता है कि गन के बारे में, एमिनेशन के बारे में, फिर हमें बराबर बता दिया। आगे की इमेज में दिखाऊंगा कैसे होता है। द फायरिंग विल स्टार्ट ओनली आफ्टर गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम ऑफिसर इन चार्ज फायरिंग। हमारी जो फायरिंग है, हमारे जो CO साहब बैठे रहते हैं या कोई भी रेंज में जो ऑफिसर है उसके परमिशन से स्टार्ट किया जाता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ फायरिंग द फायरर मस्ट रेज देयर राइट हैंड अप कीपिंग द एल्बो ऑन द ग्राउंड। आपकी फायरिंग खत्म हो गई, 5 rounds शूट कर दिया आपने, अब आपको बराबर अपना राइट हैंड ऊपर करना है कि हमारी फायरिंग हो गई है। ऑफिसर इन चार्ज विल गिव द कमांड खाली कर। अब आपने जो जितने भी बुलेट शूट किए थे उसे निकाल लेना है, ठीक है, राइफल में से, और जो शेल्स है उसको वापस अपने बोल में रख लेना है, ताकि क्योंकि हमें शेल वापस करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि आप फायर कर दिए और लेकर चले गए, शेल वापस करना है। द ऑफिसर इन चार्ज विल गिव द कमांड डिटेल रिपोर्ट ऑन दिस फायरर वुड रिपोर्ट। नंबर 1 राइफल ठीक, 2 ठीक, 3 ठीक, नंबर 4 राइफल ठीक। यानी कि आप जैसे ही आप खड़े हो गए, आपने बोल दिया राइफल ठीक है, राइफल बराबर है, और आपके हाथ में क्या बुलेट के शेल बराबर 5 है, आपने 5 rounds शूट किए, 5 rounds आपके पास है, राइफल बराबर है, आपने क्लियर कर दिया उसको खाली करके, जैसे पहले सेक्शन 1 में सिखाया है कि इस प्रकार खाली करके शूट करके रख देना है।
then the details are changed by the word of command and the new detail which will be waiting up while other detail forms behind. आपका हो गया, आपके पीछे वाला बंदा जो आपके पीछे खड़ा था वो आएंगे, उसके जगह पे जो दूसरे हैं उन्हें नया डिटेल कर दिया जाएगा। देखिए इस प्रकार खड़े रहते हैं, देख रहे हैं रेंज फायरिंग में, ये लोग फायर हो गए, इसकी फायरिंग हो गई है, ये कर रही होगी, और इसके पीछे देखो हाथ में लेकर खड़े हैं अपने बुलेट्स, और यहाँ देखो शेल्स पड़े दिख रहे हैं, उन्हें वापस लेके जाएंगे। इस प्रकार डिटेल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 7, एमिंग अल्टरेशन ऑफ साइट। इसमें पढ़ेंगे मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, यानी MPI। ये एक पिछले साल इसमें आया था, MCQ में आया था, इसका फुल फॉर्म लिखना था MPI का, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एरिया कवर्ड बाय द ग्रुप ऑफ राउंड फायर्ड विद कंसिस्टेंट एमिंग आर हेल्ड एट द सेम एमिंग मार्क इज कॉल्ड MPI। इसका मतलब क्या होता है, आपने राइफल ली, फायर किया, अब आपने कितने दूरी पे एक बुलेट से दूर, इसका सेंटर लेते हैं, जितने एरिया में आपने शूट किया है उसका सेंटर लेते हैं, उसका मीन लेते हैं कि यहाँ से कितने दूर तक शूट किया, यानी कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, प्रिसाइज कितने हो आप शूट करने में। ऐसा नहीं कि एक इधर शूट कर दिया, एक इधर शूट कर दिया, एक इधर शूट कर दिया, सब अलग अलग बिखरा हुआ है। अगर आप एम बराबर कर रहे हैं तो आपका एक साथ आना चाहिए। द सेंटर पॉइंट ऑफ एरिया कवर्ड बाय द ग्रुप ऑफ राउंड फायर्ड विद अ कंसिस्टेंट एम एंड हेल्ड एट द सेम एमिंग मार्क, यानी कि एकदम सेम एमिंग मार्क पे रखा है आपने, चाहे आप किधर भी मारे लेकिन आपका फायरिंग होना चाहिए प्रिसाइज, उसे कहते हैं मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। एलिवेशन समझेंगे, द अमाउंट ऑफ अल्टरेशन नेसेसरी मे बी फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल विच इज शोन इन अ चेंज ऑफ MPI व्हेन साइटिंग चेंज बाय 100 yards। पहले समझ लेते हैं 100 yards यानी क्या होता है। 100 yards यानी कि 100 meter से बस 9 meter कम होता है। 100 meter समझ जाएंगे ना आप, 100 meter से सिर्फ 9 meter कम है 100 yards। उसी प्रकार से आप कैलकुलेशन करके लगा सकते हैं। तो रेंज ऑफ टारगेट राइज और ड्राइव ड्रॉप ऑफ MPI, इसे आगे मैं एक इमेज के द्वारा आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आप 200 यार्ड से फायर कर रहे हैं, यानी कि कम से कम 180 मीटर दूर से फायर कर रहे हैं, तो आपकी बुलेट एक तो 6 इंच ऊपर या नीचे जाएंगी। तो ये 300 यार्ड्स हैं तो 12 इंच, 400 यार्ड्स है तो 18 इंच, एंड 500 यार्ड्स है तो 24 इंच। चलिए आगे समझाता हूँ कैसे होता है। जैसे कि आपने ये गन रही, आपने किया फायर, अगर 25 मीटर पे है तो बराबर लग जाएंगी, लेकिन बुलेट भी एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है, ये देख रहे हैं आप ऐसे, यानी कि ये तो लाइन सीधी लगनी चाहिए थी लेकिन अब ये जा रही है ऐसी, यानी कि गन को यहाँ लगना था लेकिन वो लगा यहाँ पे, यानी 6 इंच ऊपर लगा है। अब इसी हिसाब से देखें तो ये 6 इंच नीचे लगा, जितना दूरी होगा उतना गन उस बुलेट की ट्रैजेक्टरी बदलते जाएंगे। जैसे 300 मीटर पे है, 350 मीटर पे, तो 10 इंच बिलो द एम, ये 300 मीटर पे ये एम था, 10 इंचेस नीचे लगेंगे। 400 पे है तो 20 इंचेस, अब 300 पे 350 पे थी, देख रहे हैं आप जैसे जैसे दूर जा रहा है टारगेट, बुलेट का टारगेट देखो कहाँ जा रहा है, नीचे नीचे जा रहा है, ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम, एलिवेशन। टारगेट को अच्छा करने के लिए हमें एलिवेट करना पड़ता है अपनी गन। नेक्स्ट इज सेक्शन 8, थ्योरी ऑफ ग्रुप एंड स्नैप शूटिंग। ग्रुपिंग और स्नैप शूटिंग के बारे में समझेंगे। द डायमीटर ऑफ सर्कल कंटेनिंग ऑल 5 shot फायर्ड बाय अ मैन टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी इज कॉल्ड हिज ग्रुपिंग कैपेसिटी। तो भाई ग्रुपिंग में क्या होता है कि आप फायर कहीं पे भी करो, अगर हम इतने हिस्से में फायर कर रहे हैं, जैसे MPI सिखाया आपको, इतने हिस्से में फायर कर रहे हैं तो उसी जगह पे फायर होना चाहिए। फॉर द पर्पस ऑफ कोच एंड स्कोरिंग, आगे मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से करना है, एक इमेज के द्वारा समझाएंगे। फायरर आर क्लासिफाइड इन अ सर्टन ग्रुपिंग कैपेसिटी एंड मेजर्ड एट अ रेंज ऑफ 100 yards। 100 yards अभी समझाएं। दिस कैपेसिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय द डायमीटर ऑफ सर्कल दैट इज 2 inch, 4 inch एंड सो ऑन। If the position of a first shot is reasonably good and no error is declared, the second shot should be fired with the same error, same aim. If the second shot is within the grouping capacity of the firer, the probable MPI is middle of the 2 shot. अगर चलिए पहले इसको समझ जाते हैं, ये इसे आउटर कहा जाता है, बीच वाले हिस्से को मैग्पाई,
सेनर इसे बोल सकें। समझिए ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है। अगर आपने ये हिस्से में, आपको ये पेन से ही समझा देता हूँ, ठीक है, अगर ये हिस्से में, इतने हिस्से में अगर आपने फायरिंग कर रहे हैं, अगर आपका पहली गोली लगी यहाँ पर, दूसरी लगी यहाँ पर, तीसरी लगी यहाँ पर, चौथी लगी यहाँ पर या पांचवी लगी यहाँ पर, तो इसका मेन पॉइंट जो है इसे इसे गिना जाएगा, वो इसे कहते हैं ग्रुपिंग। यहाँ पे लगना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगना चाहिए कम से कम हिस्से में। इसे 2 इंच के हिस्से में गिनेंगे, जितना पास रहेगा, जितना प्रीसाइज रहेगा। अगर यहाँ पे लग रही है सारी गोलियाँ, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये इस पे ज़्यादा पॉइंट रहेंगे ये हिस्से पे। तो इस प्रकार ग्रुपिंग होती है। नेक्स्ट इज मिनिएचर रेंज स्नैप शूटिंग। स्नैप शूटिंग क्या होता है, ये बड़ा छोटा सा पेपर होता है, उस पर आपको बड़ी तेज़ी से ये करना पड़ता है, फायरिंग करना पड़ता है। आफ्टर ग्रुपिंग एन एप्लीकेशन फायर हैज़ बीन डन, द स्नैप शूटिंग इज फायर्ड, दिस इज डिफीट द टाइम फैक्टर। ग्रुपिंग में आपका एक्यूरेसी चेक कर लिया है उन्होंने, अब स्नैप शूटिंग में क्या होता है, ये टाइम रेस्ट्रेंट होता है, यानी आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा टारगेट करना पड़ता है। यानी इनिशियली इट शुड बी डन ऑन अ मिनिएचर रेंज टू मेक द फायर रियलाइज दैट एक्सपोजर ऑफ टारगेट इज इनफ टू बी डिलीवरेट राउंड फायर। यानी कि पहले आपको क्या कराया जाता है, ग्रुपिंग कराई जाती है, उससे आपकी एक फायरिंग की प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आपको स्नैप शूटिंग के लिए लिया जाता है। फॉर फायरिंग ऑन अ मिनिएचर रेंज रिप्रेजेंटेटिव फिगर टारगेट आर यूज एज अ टाइम प्रोग्रेसिवली रिड्यूस बाय 7 to 4 seconds, द साइज ऑफ टारगेट इज ऑल्सो रिड्यूस। यानी कि अगर आप इसके पहले कौन सी ग्रुपिंग फायरिंग कर रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा टारगेट पेपर रहता है, स्नैप शूटिंग में वो टारगेट पेपर छोटा हो जाता है। ग्रुपिंग में आप अच्छे से समय लेकर, अच्छे से टारगेट लेकर फायर करते हैं, लेकिन स्नैप शूटिंग में आपको सिर्फ 7 to 4 seconds में अंदर आपको शूट भी करना पड़ता है। कंटिन्यूस स्नैप शूटिंग, इट इज़ टू टेक एन टारगेट एज दे अपीयर। जैसे ही टारगेट आप कंटिन्यूस स्नैप शूटिंग में एक के बाद एक टारगेट चेंज होते जाते हैं, आपको जैसे ही वो दिखा उसे शूट करना पड़ता है, इसे स्नैप शूटिंग कहते हैं। The time will be come in a battle when the rifleman is confronted with a number of enemy within a killing range. His task will be to account as many as possible before they escape to cover or alternate to close quarter. The guiding principle is always shoot to kill. Snap shooting में क्या होता है, जैसे अगर आप आगे में जाएंगे, अगर battle field में हैं, आपके तरफ बहुत सारे enemies आ रहे हैं, दुश्मन आ रहे हैं, तो आपको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आपको राइफल को लोड करना है, शूट करना है, लोड करना है, शूट करना है, लोड करना है, शूट करना है, और आप कितने एक्यूरेटली मारते हैं, ये शूट टू किल। अगर आप एक्यूरेटली नहीं मार पाए तो वो मार के चल जाएंगे बंदा, तो उस प्रकार आप कितने कम समय में मार सकते हैं, ये सिखाता है स्नैप शूटिंग, देख रहे हैं आप। और आपका एम जो रहना चाहिए वो बराबर पक्का रहना चाहिए, इसे कहते हैं कंटिन्यूस स्नैप शूटिंग। नेक्स्ट इज सेक्शन 9, शॉर्ट रेंज फायरिंग ऑफ अ .22 राइफल। शॉर्ट रेंज फायरिंग देखते हैं, शॉर्ट रेंज फायरिंग क्या होता है। फर्स्ट इज प्रैक्टिस, डिलीबरेट बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है। टारगेट पेपर कितना रहता है, 1 by 1 feet का रहता है, 1 by 1 feet समझ जाओगे ना, ठीक है। रेंज इन यार्ड्स, 25 यार्ड की दूरी रहती है। राउंड कितना फायर करते हैं, एक ही राउंड फायर होता है एक बार में। इंस्ट्रक्शन, पोजिशन इन लाइंग सपोर्ट, लेट कर आपको फायर करना पड़ता है। 1 practice of 5 rounds। स्कोरिंग आपको बुलाया, बुल्स और इनर पे लगा तो 3 points, मैक पाइप में 2 points, आउटर पे 1 point, हाईएस्ट पॉइंट 15 points मिलेंगे। नेक्स्ट इज अ शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट रेंज 7.62 mm राइफल कोर्स फायरिंग बाय कैडेट्स ऑफ USDSW NCC। यानी सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग के NCC को ही 7.62 mm राइफल को चलाने का मौका मिलेगा, JDGW को नहीं। तो उसमें प्रैक्टिस वो भी डिलीबरेट है। इसमें 2 प्रकार के टारगेट पेपर यूज़ होते हैं, एक 4 by 4 inch का एंड 1 by 1 feet का, सॉरी इंच नहीं फिट, 1 by 1 feet एंड 4 by 4 feet। रेंज इन यार्ड्स, 4 by 4 feet का है तो 100 yards और 1 by 1 feet का है तो 25 yards दूर रहेंगे। राउंड कितने फायर करेंगे, 5 rounds फायर करेंगे। इंस्ट्रक्शन, पोजिशन लाइंग सपोर्टेड, पोजिशन लाइंग अनसपोर्टेड। सपोर्टेड यानी क्या होगा, आपको एक बोरी रहेंगी, उस पर आप अपनी राइफल रख सकते हैं। अगर अनसपोर्टेड है
तो आपको अपने लेफ्ट हैंड को ही सपोर्ट बना के राइफल को फायर करना पड़ेगा। बुल्स आई पे 3 पॉइंट, मैगपाई पे 2 पॉइंट, आउटर पे 1 पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट 15 एंड बुल एंड इनर। हाईएस्ट पॉइंट कैसे गिनते हैं, 5 राउंड है, 3 हाईएस्ट मार्क है, 3 × 5 15 पॉइंट्स, इस प्रकार से गिना जाता है। एंड लास्ट इज सेक्शन 10, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 7.62 mm SLR एंड 5.56 mm INSAS। सो कैरेक्टरिस्टिक्स 7.62 mm SLR के कैरेक्टरिस्टिक, कैलिबर कितना है 7.62 mm, इसकी लेंथ जाननी है, लेंथ कितनी है इस राइफल की, नॉर्मली नॉर्मल बट विथ नॉर्मल बट कितनी है 1139.20 mm, यानी कि 44 इंचेस लॉन्ग है, 44.85 इंचेस। लेंथ ऑफ राइफल विदाउट बेनट, विदाउट बेनट कितना होगा 55 इंचेस की हो जाएगी ये। वेट कितना है राइफल का, अगर राइफल को ही वेट लेंगे तो 4.4 केजी की है, राइफल विद फुल मैगजीन, 4.1, अगर एम्प्टी मैगजीन है 0.255 केजी की है। बियोनेट का वेट कितना है 0.286, इसे बस थोड़ा सा याद मतलब ध्यान में रखना है, वेट 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 ध्यान में रख लो, लेंथ ध्यान में रख लो और कैलिबर ध्यान में रख लो, बाकी उतना हार्ड तो नहीं पूछा जाएगा, इंजीज पेपर रहता है। तो ये है 7.62 mm की SLR, इमेजेस देख लीजिए। रेट ऑफ फायरिंग नॉर्मली फायर कर रहे हैं तो 5 राउंड पर मिनट एंड रैपिडली फायर करेंगे तो 20 राउंड पर मिनट। इसकी रेंज कितनी है, इफेक्टिव रेंज है 275 मीटर्स यानी 300 यार्ड तक दूरी तक फायर कर सकते हैं। साइट रेंज 60 यार्ड्स टू 600 यार्ड्स। नंबर ऑफ ग्रुप्स 6 एंड लास्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5.56 mm INSAS राइफल। 5.56 mm INSAS है यानी कि कैलिबर कितना रहेगा, बुलेट का साइज 5.62 mm, लेंथ ऑफ राइफल विदाउट बेनेट 960 mm, लेंथ ऑफ राइफल विदाउट विद बैनेट 110 mm एंड लेंथ ऑफ बैरल कितना है, इस बैरल का लेंथ कितना है 464 mm। वेट कितना है, अगर फिक्स बट विद एम्प्टी मैगजीन, अगर गोलियां नहीं है तो 3.6 kg का, अगर फिक्स बट विद लोडेड मैगजीन, अगर मैगजीन लोडेड है तो 3.69 kg की होगी, अगर खाली मैगजीन आप लेंगे तो 90 ग्राम की, फुल मैगजीन करेंगे तो 340 ग्राम की, बेनेट 305 ग्राम का एंड इफेक्टिव रेंज है 400 मीटर तक ये फायर कर सकती है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म होता है, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5 लीडरशिप, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप मूविंग, सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, एक छोटा सा लाल बटन मांगते हैं बस क्लिक कर दीजिए और सपोर्ट करते रहिए। बाकी सब वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।